यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब जो इंडिया का है ये सारी। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। और आज हम आए हैं एशियन फूड सेंटर, मतलब इंडिया की किरियाना स्टोर भी कह सकते हो आप इसको। सो चलते हैं अंदर। सो सबसे पहले जैसे एंटर होते हैं तो यहाँ से बकेट लेनी होती है। और यहाँ पे आपको ना बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप कनाडा में हो। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब जो इंडिया का है ये सारी चीज़ें इंडिया से ही आई हुई हैं यहाँ पे। और इन पे मतलब यहाँ पे डॉलर्स में है रेट, बट इन पे पीछे रुपीज़ में लिखा हुआ है। जैसे ही कुरकुरे है 30 रुपये। तो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको खाने पीने में दिक्कत होती है ज़्यादा, बट यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं होगी। यहाँ पे ये सारी मतलब रोटी है, नान है, ये सब मिल जाते हैं। बस इनको सिर्फ गर्म करना होता है और आप खा सकते हो। तो ज़्यादा बर्डन नहीं होती कि हाँ हमें बनाना पड़ेगा कुछ ये वगैरह, नहीं। उसके बाद आते हैं हम मिल्क वाले सेक्शन में। यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं मिल्क की, 2% 3%। जैसे हमारे वहाँ पे गाय का भैंस का होता है तो 3% लगा लो भैंस का, 2% गाय का। बट यहाँ पे गाय का ही होता है, बट ये 3% थोड़ा ज़्यादा, समझ रहे होंगे आप, स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा। ये सेक्शन है मसालों का, मतलब यहाँ इसमें सारे मसाले मिलेंगे आपको जो भी लेने हैं। जैसे अभी हम जीरा सर्च कर रहे हैं बट हमें मिल नहीं रहा, मतलब लोग बनाने में बिजी हूँ। मिल गया जीरा, फाइनली मिल चुका है इनको। और ये मतलब सारा सेक्शन है मतलब कुकीज़ का। जैसे मैंने पहले बताया कि रोटी आपको नान वगैरह मतलब गर्म कर लो डायरेक्ट, वैसे ही मतलब ये है यहाँ पे ये रखे हैं, मतलब ये भी सिर्फ आपको गर्म करने हैं, ठीक है, जाके गर्म करो। और क्विक कुक है, मतलब ज़्यादा लोड नहीं है कि आपको पानी में भिगो के रखने हैं, नहीं, आप जाके सिर्फ गर्म गर्म करने हैं, डालो खा लो। तो यहाँ पे डेटोल भी मिलती है। डेटोल यहाँ पे मिलती है, सेंथोल, डेटोल, और यहाँ पे चूना मिलता है। और यहाँ पे अचार भी मिलते हैं, मतलब अचार कोई सब ले सकते हो आप। और इस सेक्शन में है घी, और आप इंडियन प्योर इंडियन घी भी ले सकते हो, मतलब आज इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है वो बोर्ड, बस यहाँ पे लगा होता है कि अगर आपको इंडिया वाला लेना है तो आप ले सकते हो वो भी। जैसे ये 1.5 किलो के आसपास है तो ये $35 का पड़ेगा। तो ये इसका लास्ट सेक्शन है और ये सब्जी मंडी वाला सेक्शन है इसका। तो जैसे अभी हम ये लेंगे वाटरमेलन और फ्रूट लेंगे, ले रहे हैं एप्पल और ये सक्षम, और ये किचन वाला सामान है सारा। अगर मतलब जैसे इंडिया से अगर आपको लेके आना हो तो आप आ सकते हो, अगर आपको ये है कि नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, बट वही है यहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अभी हम ये भी ले रहे हैं, एक तो ले चुके हैं हम, ये पैक भी निकाल देगा वो। ये सारे यहाँ पे ऐसे कैंस पत्ती हैं, 12 के 20 पत्ते हैं इसमें। और इस सेक्शन में है मॉर्निंग का, तो ये $3 है, तो ये भी लिया हमने एक। तो राइस लिए हैं, राइस का मतलब ये प्राइस है, ये वाले लिए हैं 10 किलो है, 10 किलो $12 के पड़े हैं। और यहाँ पे अदरक, लहसुन, प्याज, नारियल, ये सब, या मतलब फील नहीं होएगा कि आप कनाडा रह रहे हो। सो हम जा रहे हैं घर पे, मतलब और ये लास्ट है, मतलब यहाँ पे हाँ सब कुछ मिलता है जैसे मैंने पहले बोला था, प्याज, टमाटर, ओके, और जो खतरनाक चीज़ है
यहाँ पे ये भी है, मतलब गन्ने का जूस भी है। सो अभी हम ट्राई करेंगे। ओके, it's caught in the crossfire.